हेलो पेरेंट्स, पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है ओपीडी में कि मेरा बच्चा हर बार फीडिंग करने के बाद में पूप करता है या पॉटी करता है, क्या ये नॉर्मल है या घबराने वाली बात है। तो पेरेंट्स, ये एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है, इसे गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ये रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न बेबीज में इमेच्योर होता है, इसलिए जैसे ही बच्चा फीड करता है स्टमक फुल होने से वो सेंसेशन जो है वो कॉलन में जाते हैं और वहाँ से बच्चे का हल्का सा रेस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है इंटेस्टाइन का और वो पूप करता है। ये रेस्पॉन्स 10 से 12 बार भी हो सकता है या फिर वो 4 से 5 बार भी होता है, हर बच्चे में अलग अलग होता है। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोशन कर रहा है या फिर वो पॉटी में ब्लड आ रहा है या बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इरिटेबल हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। थैंक यू।